चाचा चौधरी और कीमती हार। इस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। जरा भी बोली तो ये चूड़ा खोद दूंगा। लाओ इधर ये हार। फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूँ। अरे बापरे, प्लीज। अरे आज तो दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का यह सिर छोड़कर खाना खाने चले गए। शायद वे एक घंटे बाद आकर इसे रावण के थड़ के साथ लगवाएंगे। तब तक के लिए क्यों न मैं इसके नीचे छुप जाऊं। जब वह हवलदार चला जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे वो बदमाश एकाएक कहाँ गायब हो गया? थोड़ी दूरी पर। बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने लगा हूँ। आग आग आग, बचाओ बचाओ। अरे तू बदमाश यहाँ छुपा था, उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। गिलहरी की पीठ पर रेखाएं कैसे उभर आई? नन्ही गिलहरी चौंक कर उठ बैठी। मैयारी भूल चाल, अरे ये तो बंदर है जो पेड़ हिला रहा है। ए सुनो, झटपट नीचे उतर आओ, मैं ये पेड़ उखाड़ने वाला हूँ। गिलहरी ने पल भर की भी देर नहीं की। ओ बाल बाल बची, अब डाले उखाड़ने की बारी है। क्षमा करें श्रीमान, पर आपने ये पेड़ क्यों उखाड़ा है? हमें सागर पर पुल बांधने के लिए इसके तने की जरूरत है। आखिर क्यों? तुम्हें नहीं मालूम, श्री राम लंका जाने वाले हैं राक्षस राज रावण से युद्ध करने। अब ये न पूछो क्यों, क्योंकि रावण राम की पत्नी सीता को हरकर लंका ले गया है। तो श्री राम लंका जाकर सीता माता को छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, तभी तो हम पुल बना रहे हैं। और अब तुम चलती बनो, हमें ढेर सा काम करना है। मुझे भी श्री राम का हाथ बटाना चाहिए। गिलहरी ने अपने मुंह में कंकड़ भरे और पहाड़ी से नीचे उतर पड़ी। फिर वे कंकड़ उसने बंदरों के आगे डाल दिए। तू यहाँ क्या कर रही है, हमने तुझे मना किया था ना? मैं भी थोड़े से कंकड़ लाई हूँ। तभी श्री राम नीचे समुद्र तट की ओर जा रहे थे। कंकड़ किस लिए? श्री राम की मदद को, पुल बनाना है ना। राम को तेरी मदद की जरूरत नहीं, हम जो है उनके पास। मुझे मालूम है कि श्री राम को मेरी सहायता नहीं चाहिए, पर मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उससे होगा क्या, कंकड़ों से पुल तो नहीं बनाया जा सकता। कृपा करें, हमें परेशान न करो, हमारा कितना काम पड़ा है। हे राम, हे राम। राम, मैं यही हूँ नन्ही प्राणी। मित्रों, ये गिलहरी न तो तुम्हारे समान बड़ी है न शक्तिशाली है, किंतु मुझ पर इसकी भक्ति तुमसे कम नहीं है। आओ नन्ही, जुट जाओ, जितने भी कंकड़ जमा कर सकती हो ले आओ। ए, ए, देखो इसकी पीठ पर तीन धारियां बन गई हैं, श्री राम की उंगलियों के चिन्ह। पुल शीघ्र ही तैयार हो गया और राम ने लंका जाकर सीता की रक्षा की। ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है, किंतु आज तक भारत में पाई जाने वाली गिलहरियों की पीठ पर तीन सफेद धारियां मिलती हैं।